Hello viewers, in today's video we are going to discuss about the animal cell culture, its types, the techniques involved in that animal cell culture and the applications. You are watching this video on the YouTube channel Pharma Academy, and don't forget to subscribe the channel to get more pharma related videos. So let's start with the video. किसी सेल, ऑर्गन या टिश्यू को एनिमल या प्लांट से सेपरेट करके उसे किसी कल्चर मीडिया में आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड कंडीशंस या एनवायरनमेंट में ग्रो कराने की टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसी तरह किसी स्पेसिफिक टिश्यू से सिंगल सेल्स को आइसोलेट करके उसे सिंगल सेल कंडीशन में फ्रेगमेंटेशन करके उस सिंगल सेल्स को सुटेबल कल्चर मीडिया में ग्रो करवाने की टेक्निक को सेल कल्चर कहा जाता है। सो कीप इन माइंड अबाउट द टर्म्स ऑफ कल्चर्स एज कल्टीवेशन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, एंड द कल्टीवेशन ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड सेल कल्चर। हियर वी कैन डिस्कस ओनली अबाउट द एनिमल सेल कल्चर। सेल्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज are isolated and these cells are cultured in an artificial culture media is called animal cell culture. तो इस animal cell culture को establish करने के लिए तीन basic step होती हैं। पहली step होती है isolation of cells। इसमें जो cells हैं या जो tissue है उसको isolate किया जाता है किसी particular organ से, उस organ से जिसको हमें develop करना है या जिसकी cells को हमें grow करवाना है। दूसरी स्टेप में जो टिश्यू हम आइसोलेट करते हैं किसी ऑर्गन से, उस टिश्यू से सिंगल सेल्स को आइसोलेट करना, यानी कि जो टिश्यू है उससे सेल्स को डिसएग्रीगेट करना ताकि सेल्स सिंगल सेल कंडीशन में आ जाएं। और इस डिसएग्रीगेशन के लिए दो मेथड होते हैं, एक मेथड है केमिकली और दूसरा है मैकेनिकली। केमिकल मेथड में हम कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, कोलाजिनेज, हेलुरोनिडेज या इन एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन। और मैकेनिकल मेथड में यूज करते हैं हम टिश्यू होमोजेनाइजर्स, यानी कि जो मैकेनिकल मेथड है उसमें फिजिकल फोर्सेस को यूज करके सेल्स को सेपरेट करना। और तीसरी बेसिक स्टेप है जो सेल्स हमने आइसोलेट कर ली हैं उन सेल्स को इनक्यूबेट करना इन ए सुइटेबल कल्चर मीडिया। इस इंक्यूबेशन में जो ऑप्टिमाइज कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं सेल्स को ताकि सेल्स आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में अच्छे से ग्रो कर सके। प्राइमरी सेल एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो दूसरी स्टेप है वो होती है सब कल्चरिंग की, यानी कि जब सेल्स को हम प्राइमरीली किसी कल्चर मीडिया में इंक्यूबेट करते हैं तो सेल्स उस कल्चर मीडिया से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको यूटिलाइज करती हैं और अपनी ग्रोथ करती हैं। बट आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम वो न्यूट्रिएंट्स जो डिप्लीट हो जाते हैं सेल्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद सेल्स की फर्दर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए फर्दर न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश कल्चर मीडिया। तो सेल्स को फ्रेश कल्चर मीडिया में इनक्यूबेट करने या ट्रांसफर करने का जो स्टेप है, इस स्टेप को कहा जाता है सब कल्चरिंग। और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है सेल की वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सब कल्चरिंग करने के लिए जो प्राइमरी सेल कल्चर है वहां से सेल्स को निकाला जाता है, उनको हार्वेस्ट किया जाता है और उनको फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस सब कल्चरिंग के दौरान जो गैप होता है ट्रांसफर करने का, उस गैप में जो सेल्स हैं उनको DMSO यानी कि डाइमेथाइल सल्फोक्साइड या ग्लिसरॉल के सॉल्यूशन में रखा जाता है प्रिजर्व करके ताकि सेल्स की वायबिलिटी बनी रहे। यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन है जिसमें आप देखेंगे कि जो सेल्स हैं उनको आइसोलेट किया गया है, उनको कल्चर किया गया है टेस्ट ट्यूब जिसमें कल्चर मीडिया है। इसके कुछ टाइम बाद सेल्स को वापस सब कल्चर किया गया है, यानी कि इन सेल्स को ट्रांसफर किया गया है फ्रेश कल्चर मीडिया में।
और कुछ टाइम के बाद ये जो सब कल्चर्ड सेल हैं इन्हें अगेन फ्रेश कल्चर मीडिया में फिर से ट्रांसफर किया गया है, इसे सब कल्चरिंग कहते हैं और ये तब तक की जाती है जब तक हमें उन सेल्स की वायबिलिटी को मेंटेन करना है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल कल्चर की। जो सेल कल्चर है ये बेसिकली तीन तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल कल्चर, दूसरा होता है एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर और थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेल कल्चर की। जब किसी टिश्यू को आइसोलेट करके उस टिश्यू में से सिंगल सेल आइसोलेशन किया जाता है, सिंगल सेल आइसोलेशन के लिए एंजाइम्स या टिश्यू होमोजेनाइजर का यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में सम सेल्स लॉस्ट देयर वायबिलिटी एंड बिकम डेड, कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं और कुछ सेल्स वायबल रहती हैं। फिर इन सेल्स को किसी कल्चर मीडिया में ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में इनक्यूबेट किया जाता है ताकि सेल्स ग्रो कर सकें, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल कल्चर। और अगर सेल्स को काफ़ी लंबे टाइम तक ग्रो करवाना है, उनकी बार बार सब कल्चरिंग करनी है, तो इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए प्लास्टिक बॉटल्स का भी यूज़ किया जाता है जिनमें सेल्स को कल्चर किया जाता है। नाउ वी मूव टू एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर। जब प्राइमरी सेल कल्चर में सेल्स कल्चर मीडिया में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेती हैं या उनको यूज कर लेती हैं, तो सेल्स को फर्दर न्यूट्रिशन के लिए फ्रेश कल्चर मीडिया में रिप्लेस किया जाता है, इसे सब कल्चरिंग कहते हैं। अराउंड 70 टाइम्स यानी कि लगभग 70 बार सब कल्चरिंग करने के बाद जो सेल लाइन एस्टेब्लिश होती है उसे एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर कहा जाता है। प्राइमरी सेल कल्चर की तुलना में जो एस्टेब्लिश्ड सेल होती हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है। एस्टेब्लिश्ड सेल ज़्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं और इन सेल्स की प्रॉपर्टी पेरेंट सेल से थोड़ी सी चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर। नाउ वी मूव टू ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर। जैसा अभी आपने देखा कि अराउंड 70 टाइम्स सब कल्चरिंग के बाद जो सेल लाइन एस्टेब्लिश होती है उसे एस्टेब्लिश सेल कल्चर कहा जाता है। बट अगर हम इन एस्टेब्लिश्ड सेल लाइंस को और आगे भी यानी कि मोर देन 80-90 टाइम्स सब कल्चर करें तो ये सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं, यानी कि इन सेल्स की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। सेल्स का लाइफ स्पान यानी कि जो सेल की एज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, सेल ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती है। सेल्स बिकम इमोर्टल यानी कि उनकी जो एज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल्स। सेल्स का जेनेटिक बिहेवियर चेंज हो जाता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए सेल्स का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है और समटाइम देयर इज ए चेंज इन क्रोमोजोमल नंबर्स ऑफ द सेल। These cells called transformed cell lines, और इस कल्चर टेक्निक को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम इस एनिमेशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गन्स जिसकी सेल्स को हमें ग्रो करवाना है, ऑर्गन से सेल फ्रेगमेंट यानी कि टिश्यू को आइसोलेट किया गया। फिर इस टिश्यू में सेल्स जो आपस में एसोसिएटेड हैं इन्हें सेपरेट किया गया एंजाइमेटिकली या मैकेनिकली। फिर जो सिंगल सेल्स मिली उन्हें किसी सुइटेबल कल्चर मीडिया में ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में ग्रो करवाया गया, इसे प्राइमरी सेल कल्चर कहा गया। फिर इन सेल्स को फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करके सब कल्चरिंग की अराउंड 70 टाइम्स। तो अराउंड 70 टाइम्स सब कल्चरिंग करने के बाद जो सेल लाइंस डेवलप हुई उन्हें एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर कहा गया। और जब एस्टेब्लिश्ड सेल को और ज़्यादा यानी कि मोर देन 80-90 टाइम्स या उससे भी अधिक सब कल्चर किया गया तो जो सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं और इस तरीके के कल्चर को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर। नाउ वी कम टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया फॉर एनिमल सेल कल्चर।
एनिमल सेल कल्चर के लिए दो तरीके के कल्चर मीडिया यूज किए जाते हैं। पहला है नेचुरल कल्चर मीडिया और दूसरा है आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। पहले हम बात करते हैं नेचुरल कल्चर मीडिया की। तो जो नेचुरल मीडिया है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन, और ये नेचुरल ओरिजिन के जो कंपोनेंट्स हैं, ये सफिशियंट न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एनिमल सेल को ग्रो करने के लिए। इसमें जनरली आते हैं प्लाज्मा क्लॉट्स, बायोलॉजिकल फ्लूड्स एंड टिश्यू एक्सट्रैक्ट। अगर हम प्लाज्मा क्लॉट्स की बात करें तो ये प्रिपेयर किए जाते हैं बाय मिक्सिंग 15 ड्रॉप्स ऑफ प्लाज्मा विथ 5 ड्रॉप्स ऑफ एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट इन ए वॉच ग्लास। अगर हम बायोलॉजिकल फ्रूट्स की बात करें तो ये कई तरीके के बायोलॉजिकल फ्रूट्स होते हैं जो कल्चर मीडियम में यूज किए जाते हैं, जैसे कि एमनियोटिक फ्रूट्स, प्रूरल फ्रूट्स, एक्वस ह्यूमर फ्रॉम आई एक्सेट्रा। सीरम इज वाइडली यूज ऑब्टेन फ्रॉम द एडल्ट ह्यूमन ब्लड, प्लेसेंटल कॉर्ड ब्लड एंड हॉर्स या काफ ब्लड से जो सीरम आइसोलेट किया जाता है, उसको भी बायोलॉजिकल फ्रूट्स के रूप में यूज किया जाता है इन नेचुरल कल्चर मीडिया। टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ये भी नेचुरल सोर्स होते हैं जो कि कल्चर मीडिया में यूज किए जाते हैं, जैसे कि चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट जो कि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, स्प्लीन एक्सट्रैक्ट, लिवर एक्सट्रैक्ट, बोन मैरो एक्सट्रैक्ट एंड ल्यूकोसाइट एक्सट्रैक्ट, ये भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं जो कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया की। आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीरम कंटेनिंग मीडिया और दूसरा होता है सीरम फ्री मीडिया। सिंथेटिक मीडिया प्रिपेयर किए जाते हैं बाय एडिशन ऑफ सेवरल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, विटामिन्स, सॉल्ट, ऑक्सीजन, CO2 गैस, सीरम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, कोफैक्टर्स फॉर एंजाइम, ये सभी सिंथेटिकली ऐड किए जाते हैं इन अ बेस और एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बनाया जाता है। ये दो तरीके के हैं, एक है सीरम फ्री मीडिया और दूसरा है सीरम कंटेनिंग मीडिया। सीरम फ्री मीडिया, इसमें इस कल्चर मीडिया में सीरम नहीं होता है, इट इज कॉल्ड सीरम फ्री मीडिया। क्रूड प्रोटीन फ्रैक्शंस जैसे कि बोवाइन सीरम, एल्बुमिन, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन, ये यूज किए जाते हैं फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन सीरम फ्री मीडिया, जबकि सीरम कंटेनिंग मीडिया में सीरम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जो सीरम है, ग्रोथ फैक्टर्स, हॉर्मोन्स और जो अटैचमेंट और स्प्रेडिंग फैक्टर्स हैं, ये भी ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स भी यूज किए जाते हैं जो सेल सिग्नलिंग के लिए जरूरी मटेरियल है। सीरम कंटेनिंग मीडिया में एक जो एडवांटेज है वो ये है कि जो सीरम है वो सेल को शियर स्ट्रेस, यानी जो कल्चरिंग के दौरान जो सेल का एजिटेशन किया जाता है, उस एजिटेशन से जो सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस एजिटेशन से सेल को प्रोटेक्ट करता है सीरम। ये इसका एक एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं सेल कल्चर टेक्निक्स के बारे में। जो सेल कल्चर टेक्निक्स हैं, ये दो तरीके की होती हैं। एक होता है एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर सिस्टम और दूसरा होता है एंकरेज इनडिपेंडेंट सेल कल्चर। एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर का मतलब होता है कि जो कल्चर मीडिया है, उस कल्चर मीडिया में जो सेल्स हैं वो फ्रीली सस्पेंडेड नहीं रहती हैं, उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है जिस पर वो सेल्स अटैच होती हैं और अटैच होने के बाद उसी पर्टिकुलर सरफेस पर वो सेल्स ग्रो करती हैं। इस तरीके के सिस्टम के लिए जो सेल्स सुटेबल हैं वो होती हैं जो नॉर्मल सेल्स हैं, जैसे कि ब्रेन सेल्स, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स, ये सभी सेल्स एंकरेज डिपेंडेंट सेल सिस्टम के थ्रू इनका कल्चर किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ जो नॉर्मल सेल्स हैं इनको ग्रो करने के लिए सेल टू सेल सिग्नलिंग सिस्टम जरूरी होता है। सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और जो उनमें सिग्नलिंग पाथवे होता है वो सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसलिए ऐसी सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं ये एक सपोर्ट या सरफेस पर अटैच होकर ग्रो करती हैं
और अगर ये सरफेस पर अटैच नहीं होंगी तो इन सेल्स की डेथ हो जाएगी। जबकि अगर हम एनकरेज इन डिपेंडेंट सिस्टम की बात करें तो जो सेल्स जैसे जो हीमोपोएटिक सेल्स होती हैं और जो कैंसरस सेल या माइलोमा सेल्स हैं उनके लिए जो सुटेबल सिस्टम होता है वो होता है एंकरेज इनडिपेंडेंट। इन सेल्स को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करने के लिए किसी सरफेस की या सपोर्ट सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सेल्स कल्चर मीडिया में फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में ग्रोथ करती हैं। जो सेल कल्चर मेथड है इसको हम एक और एनिमेशन की सहायता से समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई ऑर्गन है, मान लीजिए लिवर है, इस लिवर से हम सेल्स का जो टिश्यू है वो टिश्यू को आइसोलेट करते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर का एरिया है दैट इज कोलाजन, यानी कि जो सेल सीमेंट है जो सेल्स को आपस में जोड़कर रखता है। जब हम इस टिश्यू को एंजाइम से ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन या कोलाजिनेज या हेयलुरोनिडेज, ये एंजाइम्स इस सेल सीमेंट यानी कोलाजन को डिजोल्व कर देते हैं। इस वजह से सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, दे कम इन द सिंगल सेल फॉर्म और उसके बाद जो नॉर्मल सेल्स हैं या जो स्टेम सेल्स हैं, लिवर, किडनी, लंग्स, इस टाइप की जो सेल्स हैं इनको एनकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर टेक्निक के थ्रू ग्रो करवाया जाता है, जिसमें कि सेल्स एक सपोर्ट सरफेस के ऊपर ग्रो करती हैं। जबकि इन सिंगल सेल्स को अगर ये सेल्स माइलोमा सेल, कैंसर सेल या हीमेटोपोएटिक सेल्स हैं तो इन सेल्स को एनकरेज इनडिपेंडेंट सेल सिस्टम जो कल्चर का सिस्टम है उसके थ्रू ग्रो करवाया जाता है और इस तरीके के सिस्टम में सेल्स को किसी सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल कल्चर की एप्लीकेशंस की। एनिमल सेल कल्चर का फार्मास्यूटिकल्स में काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है। दे आर सिग्निफिकेंटली यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड आल्सो फॉर फार्मास्यूटिकल रिसर्च। First, we go for the use of animal cell culture in pharma industry. Use of animal cell in drug screening and development. किसी भी drug की therapeutic efficacy को establish करने के लिए drug screening की जाती है। इस तरह animal cell को culture करके various drugs का इन cells पर क्या effect होता है and how the cells respond to these drugs, ये स्टडी किया जाता है और इसके बाद ही ड्रग की एफिकेसी डिसाइड की जाती है। सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। कल्चर्ड सेल का यूज कुछ सेल बेस्ड केमिकल्स के प्रोडक्शन में भी किया जाता है, जैसे कि बी सेल्स का कल्चर करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। सम सेल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन हॉर्मोन्स। सेल कल्चर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस ऑर्गन्स। वन टेक्निक दैट स्टेम सेल थेरेपी इज देयर। स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है कि जो ऑर्गन है जो कि डिफेक्टिव हो चुका है या जो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो एनिमल जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, उनको यूज करके आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करवा के अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस उन स्टेम सेल से किसी ऑर्गन को डेवलप किया जाता है और उस डेवलप ऑर्गन से जो डिफेक्टिव या जो डैमेज ऑर्गन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एनिमल सेल कल्चर यूज होती है ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। वेरियस माइक्रोबियल सेल कल्चर यूज किए जाते हैं फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। इनमें माइक्रोबियल सेल्स को ग्रो करके फिर उन्हें एटेन्यूएटेड या इनएक्टिवेट करके यूज किया जाता है एज ए वैक्सीन, लाइक पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन एक्सेट्रा। बी सेल्स यूज की जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बी सेल्स को कैंसर सेल के साथ फ्यूज करके जब ये जो फ्यूज सेल बनती है जिसे हाइब्रिडोमा सेल कहा जाता है, इन हाइब्रिडोमा सेल्स को ग्रो करवाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है HAT मीडियम में और इस तरीके की जो सेल्स हैं इन सेल से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को फॉर्म
फॉर्मेशन किया जाता है, इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ वी कम टू द यूज ऑफ एनिमल सेल कल्चर फॉर स्क्रीनिंग फॉर रिसर्च पर्पस। फर्स्ट वन इज टॉक्सिसिटी स्टडी। किसी भी ड्रग या थेरेप्यूटिक एजेंट की फॉर्मुलेशन को एस्टेब्लिशमेंट करने से पहले उस एजेंट की टॉक्सिसिटी स्टडी जरूर की जाती है, यानी कि कोई भी ड्रग जो है वो जब मार्केट में तभी आती है जब उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी कंप्लीट कर ली जाती है, ताकि इफेक्टिव, लीथल और मिनिमम डोज फिक्स की जा सके। ये सभी जो रिसर्च हैं, ये इनके लिए जो सेल्स हैं उनको कल्चर किया जाता है और उन कल्चर्ड सेल के ऊपर ये रिसर्च की जाती है कि ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या है, उसकी डोज क्या है, और जब ये चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाती हैं तभी कोई ड्रग मार्केट में लॉन्च की जाती है। अगर हम बात करें कैंसर रिसर्च की, देन दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट यूज ऑफ एनिमल सेल कल्चर। कैंसर ट्रीटमेंट में ड्रग की जो एफिकेसी है उसकी स्टडी करने के लिए कैंसर सेल्स को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया जाता है, और उसके बाद जो ड्रग है जिसकी साइटोटॉक्सिक स्टडी करनी है, यानी कि ये जो सेल जो ड्रग है ये कैंसर सेल को कितना डिस्ट्रॉय करती है या कैंसर सेल के ऊपर कितना इफेक्ट होता है, इस तरीके की स्टडी परफॉर्म की जाती है। पहले कैंसर सेल को ग्रो करवाते हैं और उसके बाद उन कल्चर सेल के ऊपर ड्रग की स्टडी की जाती है। वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरल स्ट्रक्चर एंड देयर सेल एक्टिविटी। वायरस जो है ये सेल के अंदर ग्रो करते हैं, और अगर वायरस के लिए कोई भी स्टडी करनी है तो वायरस को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और फिर इस इन्फेक्टेड सेल को जिसके अंदर वायरस है इस सेल को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया जाता है, और उसके बाद जो वायरस से रिलेटेड स्टडीज हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। जीन थेरेपी इज द यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिजीजेस। इस स्टडी के लिए भी जो सेल है उसको कल्चर किया जाता है, और उन कल्चर्ड सेल का जो जीन मैपिंग है या जो डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्टडी के लिए जो कल्चर्ड सेल हैं उनको यूज़ किया जाता है। उन सेल्स में वायरल वेक्टर डाले जाते हैं, प्लाज्मिड डाला जाता है, उनके डीएनए को रिकॉम्बिनेंट किया जाता है, ताकि जीन थेरेपी में इन सेल्स को यूज़ किया जा सके जीन थेरेपी की स्टडी के लिए। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा कि जो एनिमल सेल हैं इनको किस तरीके से कल्चर किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, प्राइमरी, एस्टेब्लिश्ड और ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर क्या होता है, और इन सब के बाद जो सेल्स डेवलप होती हैं उन सेल्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और रिसर्च में क्या यूज़ है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड गेट अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमल सेल कल्चर। And thanks for watching this, and again, don't forget to subscribe the channel. Thank you.